तो अपन पेपर डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर जो 72 है, ठीक है, वो पूछा आपको सरफेस केमिस्ट्री से, कॉगुलेशन पावर, फ्लॉकुलेशन पावर, ठीक है। इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, पी वाई का क्वेश्चन देखेंगे तो हार्डी सूट के रूल, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि आपको कॉगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल, नेगेटिव सोल का कॉगुलेशन करना है, तो किसका फ्लॉकुलेटिंग पावर किसका ज्यादा होगा। तो तुमने पढ़ा हार्डी सूट के रूल जो कहता है, आरडी सुलजर रूल क्या कहता है, आरडी आरडी सुलजर रूल क्या कहता है कि जो कॉगुलेटिंग जो पावर होता है, कॉगुलेटिंग जो पावर होता है आरडी सुलजर रूल के अकॉर्डिंग, आरडी सुलजर रूल के अकॉर्डिंग जो पावर होता है, पावर किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है चार्ज पे। कि फ्लॉकुलेटिंग पावर किसका ज्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज पे ज्यादा है। तो इसमें लिखा है एल्यूमिनियम प्लस 3, बेरियम प्लस 2 और Na प्लस। तो चार्ज एल्यूमिनियम प्लस 3 पे ज्यादा है, तो उसका पावर भी ज्यादा होगा, देन Ba प्लस 2, देन Na प्लस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड में जो स्टेटमेंट जो आपको गिवन है कि कॉगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल, पॉजिटिव सोल उसका कॉगुलेशन करना है, तो फ्लॉकुलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, तो पॉजिटिव वालों को कॉगुलेट कौन करेगा, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव में देखो जिसपे चार्ज ज्यादा होता है उसका पावर भी ज्यादा होता है। तो NaCl में Na प्लस तो सब में कॉमन है, तो चार्ज देखा है तो एक तो है Cl माइनस, दूसरा आपका कौन सा सल्फेट आयन, और तीसरा आपका कौन है फॉस्फेट आयन, ऐसा। तो इसमें पावर किसका ज्यादा होगा, जिसपे चार्ज ज्यादा होगा, मतलब फॉस्फेट आयन पे ज्यादा चार्ज है तो पावर भी इसका ज्यादा होगा, देन सल्फेट आयन, देन Cl माइनस। बट इसमें क्या किसका ज्यादा दिया, Cl माइनस का, मतलब ये कौन सा हो गया आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वन क्या आपका इनकरेक्ट, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट आंसर एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट। तो आंसर इसका क्या होगा, सेकंड वन आंसर। क्वेश्चन आसान था, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, और ये आपको पूछा गया किससे, सॉलिड स्टेट क्लास 12, सॉलिड स्टेट में क्लास, सॉलिड स्टेट क्लास 12, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्या डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, वहां से आप देख सकते हो। इन पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सही है। इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम यूनिट सेल, अगर कुछ कैटायन यूनिट सेल से मिसिंग है तभी आयनिक सॉलिड कैसा इलेक्ट्रिकली कैसा न्यूट्रल रहता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड टू इंटरस्टीशियल साइड, मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सबको पता है कि जो दो टाइप के डिफेक्ट पड़ते हैं ना, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन अपने प्लेस को छोड़कर कहां आता है, इंटरस्टीशियल स्पेस में आता है, वही स्टेटमेंट लिखा है सेकंड स्टेटमेंट। तो रीजन भी सही है, असम्पशन भी सही है, और फर्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों आइसोलेशन में है। तो आपका क्या होगा, फर्स्ट बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर होगा इसका कौन सा, फर्स्ट बार, आसान क्वेश्चन था एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। आप मोल कंसेप्ट कह सकते हो, एक क्लास 12 सॉल्यूशन में भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और आपको क्या गिवन है, मोलरिटी गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है, मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लिखेंगे, ग्राम में, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000, सही है। मोलरिटी कितना, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पे आ गया आपका 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 0.5 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है। तो लेट्स सपोज मास ऑफ सॉल्वेंट x मान लेते हैं, इनटू कितना करेंगे, 1000, सही है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा कितना, 500 ग्राम। तो बड़ा ये काफी इजी क्वेश्चन था, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, डन। क्वेश्चन नंबर आपका 83 जो क्वेश्चन है,
आपको पूछा आयनिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन चैप्टर से। आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन बफर सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो दो टाइप के बफर होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो यहाँ पे आपको कौन सा बफर दिया है, आपको एसिडिक बफर का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एसिडिक बफर का जो पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, पीकेए प्लस लॉग वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन और ऊपर क्या होता है आपका कॉन्जुगेट बेस, ये होता है पीकेए। पीकेए कितना दिया आपका, पीके ऑफ एसिडिक एसिड दिया 4.57, तो ये आपका कितना 4.57 प्लस लॉग वीक एसिड, वीक एसिड कौन, एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया इन्होंने 0.01, ठीक है। और कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस कौन आपका, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपका 0.1, सही है। ये से कितना टाइम कैंसिल होगा, 10 और कितना आंसर आएगा 4.57 प्लस आपका लॉग कितना 10, लॉग 10 कितना होता है 1 होता है, तो 4.57 प्लस 1 तो आंसर आएगा 5.57। अगेन एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, पी वाई क्यू स्पेस आपको फिर से मिल जाएगा, आसानी से किया सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में आपको पूछा है अलग अलग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया है, कॉपर का, जिंक का, आयरन का और सिल्वर का, एजी का, और आपको पूछा है कि इनके बेसिस पे जो भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन है उसके बेसिस पे कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो देखो इसका कंसेप्ट क्या रहेगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है हमें पता वो कौन होता है आपका, कैथोड होता है, और जिसका एसआरपी कम होता है वो कौन होता है आपका, एनोड, ये रहता है। तो जिसका एसआरपी ज्यादा वो कैथोड है, तो कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन और एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो हम ऐसा करते हैं स्टार्टिंग में पहले जो भी मेटल्स गिवन है उनको एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो कॉपर, जिंक, आयरन और एजी, इन सब का रिडक्शन हो रहा है, जैसे कॉपर प्लस 2 से 0 क्या हो रहा है रिडक्शन, जिंक का भी क्या हो रहा है रिडक्शन, आयरन का भी रिडक्शन, और ये आपका एजी प्लस का भी क्या हो रहा है, मतलब सारे जो पोटेंशियल गिवन है वो क्या है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा जो एसआरपी है वो कौन का है, एजी का, एजी के बाद जो है आपका कॉपर का है, कॉपर के बाद आपका जिंक का, सॉरी कॉपर के बाद आपका आयरन, कॉपर के बाद जो है, कॉपर के बाद जो पोटेंशियल है वो है आपका आयरन का, और आयरन के बाद किसका आपका, आयरन के बाद आपका जिंक का पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, गिवन है 0.8 गिवन है। ये कितना गिवन है आपको, कॉपर का है आपका 0.34 और इसका जो जिंक वाले का है -0.76 और आयरन का -0.44, ये सारे पोटेंशियल गिवन है। इसका मतलब जो एजी और कॉपर में जब कंपेयर करोगे तो एजी अगर कॉपर के साथ आ रहा है तो एजी का रिडक्शन होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। इस तरह से आप उनको क्या ऑप्शन एक एक करके ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में देखो कॉपर जो है वो प्लस 2 में है और यहाँ पे आयरन है 0, यहाँ पे आयरन है प्लस 2 और यहाँ पे कॉपर है 0, तो कॉपर प्लस 2 से 0 हो जा रहा है, मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का जो हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है और आयरन का क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, आयरन का आपका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर यहाँ पे एसआरपी देखते हैं, कॉपर और आयरन जब एक साथ आएंगे तो कॉपर का एसआरपी ज्यादा है तो रिडक्शन होना चाहिए था, आयरन का क्या होना चाहिए था ऑक्सीडेशन, और वो यहाँ पे हो रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। बट आपको क्या पूछा है, नॉट कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, तो फर्स्ट तो होगा, सेकंड वन सेम इसी तरह से चेक कर, आयरन का जो है वो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक का 0, जिंक यहाँ पे आपका प्लस 2 अगेन, आयरन आपका कौन सा है 0, तो आयरन का क्या हो रहा है, आयरन का जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आयरन का जो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है और जिंक का क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे चेक करो अगेन, जिंक और आयरन में आयरन का रिडक्शन हो रहा था और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ये भी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। अब अच्छा थर्ड और फोर्थ, थर्ड को चेक किया तो कॉपर कौन से स्टेट में, यहाँ पे कॉपर है प्लस 2 और यहाँ पे एजी कौन से स्टेट में आपका 0, यहाँ पे कॉपर है 0 और एजी कौन से स्टेट में प्लस 1, तो कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है थर्ड वाले में, कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर को हो रहा है रिडक्शन और एजी का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। बट अपने अकॉर्डिंग एजी और कॉपर में एजी का रिडक्शन होना था और कॉपर का क्या होना था ऑक्सीडेशन, इसलिए क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया और आपसे नॉट करेक्ट ही पूछा था, तो आंसर कौन सा होगा थर्ड। ऐसे आप फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, कॉपर और जिंक में कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन और जिंक का क्या रहा ऑक्सीडेशन, तो अगेन वो सही है। इस तरह से आप आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, आइडियल गैस से पूछा गया है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें क्या, ये कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जो है
ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन का जो वेट है वो कितना है 64 ग्राम है, और कंटेनर का जो वॉल्यूम वो कितना है 10 लीटर का है, और उसका टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको इनसाइड द कंटेनर क्या पूछा, प्रेशर आपको पूछा गया है, ठीक है। तो सारे जो नोन्स आपको गिवन है उसका अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू कितना एनआरटी, ठीक है एनआरटी। तो आपको बताना है प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा एनआरटी अपॉन कितना वॉल्यूम, मोल्स निकालना। तो मोल्स के लिए आपको मास गिवन है कितना 64 ग्राम, और कौन सी गैस है आपका O2, तो O2 का मोलर मास होता है 32, R अपन कितना लेते हैं 1/12, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया डिग्री में, तो मैंने हमेशा से कहा है कि टेम्परेचर हमेशा किस में लेना आपको केल्विन में, तो डिग्री में ऐड करने के लिए 227 प्लस कितना 273, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना आएगा 300, और डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको कितना दिया 10 लीटर, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये अप्रोक्स कितना होगा, ये तो 2 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये इससे 6 टाइम हो गया, ठीक है 30/6 मतलब कितना आ रहा है 5, तो 5 कौन सा ऑप्शन में, ये रहा 4.9, अपना 5 आ रहा है, इसमें 4.9 इसलिए आ रहा है क्योंकि R का वैल्यू कितना होता है 0.081, बट कैलकुलेशन में मैंने अपन हमेशा क्या यूज करते हैं 1/12, ठीक है। वैसे फिजिकल में अप्रोक्सीमेशन करना होता है तो आंसर अपना 4.9 आ गया, आसान प्रॉब्लम था। थैंक यू।